पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर का सामान चुराकर विद्युत विभाग को चूरा लगाने वाले तीन बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए, जबकि पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ट्रांसफार्मर खोलने के औजार और अवैध असला बरामद हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इन अपराधियों के मुकदमे खंगाले जा रहे हैं। एसपी देहात की माने तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मेरठ से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। विद्युत विभाग को अब तक करोड़ों का चूना ये लोग लगा चुके हैं और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीन बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल भी हुए हैं। ट्रांसफार्मर खोलने के औजार और हथियार बरामद हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी। अब तक करोड़ों का चूना लगा चुके हैं, गैंग का पर्दाफाश हुआ है। थाना क्षेत्र खरखौदा में एक सराहनीय कार्य किया गया है। तीन अपराधी जो कि ट्रांसफार्मर खोलकर उसके अंदर के पार्ट्स को चोरी कर रहे थे, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। उनके नाम हैं संजय पुत्र सूरजमल, संजय भाटी और धर्मेंद्र। इसमें जो संजय पुत्र सूरजमल है, इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी। जवाबी फायरिंग में इसके पांव में गोली लगी है। इसका उपचार करवाया जा रहा है। इसका वृहद आपराधिक इतिहास है, 24 मुकदमे हैं इसके ऊपर। जो इसका दूसरा साथी है संजय भाटी, इसके ऊपर भी 10 मुकदमे हैं। इन तीनों के पास से दो तमंचे, जो ट्रांसफार्मर खोला जाता है उसके औजार, घटना में जो गाड़ी प्रयोग कर रहे थे ये लोग, उस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इन तीनों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की